थ पार्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर टूडे सो एक इम्पोर्टेंट डे के बेसिस पे यहाँ पर हम कुछ डिस्कशन करने वाले हैं इसके अंदर इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर विल बी डिस्कसिंग अबाउट द नेशनल मदरहुड डे विच इज सेलिब्रेटेड एंड उसी से रिलेटेड कुछ डिटेल्स बेसिकली एक डॉक्यूमेंट आया था पी आई बी के अंदर एंड उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ डिटेल्स थी वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्योंकि पी आई बी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है तो पी आई बी के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं तो वो हमारा यहाँ पर टारगेट रहेगा डिस्कस करना एंड बिफोर गोइंग दैट गोइंगाइज मैं आपको बता दूं कि आ, फ्री मॉक टेस्ट का प्रोसेस हमने शुरू किया कल भी मैंने इसके लिए एक वीडियो आ, डाला था फ्री मॉक टेस्ट आ, बेसिकली ये कोई वीडियो नहीं है ये कोई लेक्चर नहीं है ये आप अटेम्प्ट कर सकते हो मॉक टेस्ट ओके फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है मोबाइल पर या लैपटॉप पर जैसे मर्जी आप इसको यूज करो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसको आप टेस्ट को जरूर दें ये पहला टेस्ट है ऐसे मिनिमम कम से कम फाइव टेस्ट आएंगे एओईओ के लिए जो कंप्लीट मॉक टेस्ट है एंड कंप्लीटली यूपीएससी बेस्ड पैटर्न है ठीक है कंप्लीटली ओके सो ट्राई टू गिव दिस टेस्ट सीरियस नोट ऐसा नहीं कि ऑन किया बंद कर दिया और फिर बस देख लीजिए इसके अंदर अटेम्प्ट करके कोशिश पूरी ये करनी है कि दो घंटे का पेपर है तो जैसे आप पेपर के माहौल में बैठते हो वैसे बैठ करके इसको आप पेपर को देंगे ठीक है ये पूरी कोशिश आपने करनी है और राइट एंड जो भी बच्चे इस मॉक टेस्ट के अंदर थर्टी मार्क्स जिनके आ गए तीस नंबर जिसके आगे उन सबको ठीक है मैं वो स्कॉलरशिप वाला सिस्टम नहीं है कि पांच टॉपर दस टॉपर वो वाला सिस्टम मैं नहीं रखता हूं थर्टी मार्क्स जिसके आगे उसको आप को सबको 90 परसेंट जो है जो भी एमसीक्यू कोर्सेज डले हुए हैं जो कॉम्बो एमसीक्यू कोर्स है हमारा जिसके अंदर आईआरएल गैप और आपके अकाउंटेंसी के एमसीक्यूज हैं ठीक है वो आपको 90 परसेंट उसके ऊपर जो है स्कॉलरशिप मिल जाएगी मेल से आपको कूपन कोड मिलेगा आपने उस कोड को यूज करना और 90 परसेंट आपको ऑफ मिल जाएगा अराउंड साठ रुपए का आपको पड़ेगा फिर वो सिर्फ ठीक है एंड उसमें भी आपके पीडीएफ ऑटोमेटिकली फिर इंक्लूडेड है तो साठ रुपए में आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे और पीडीएफ फाइल्स भी मिल जाएंगी यूट्यूब के लेक्चर्स की तो टेस्ट जरूर दो ठीक है चलिए अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं फटाफट से टॉपिक है हमारा नेशनल सेफ मदरहुड डे राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है दोस्तों इलेवेंथ अप्रैल वेरी 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 इंपॉर्टेंट ठीक है याद रखनी है डेट डायरेक्टली पेपर के अंदर वो पूछ सकता है एपीएफसी हर पेपर के अंदर वो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है इंट्रोडक्शन में देखो पहले तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि 11 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया जाता है एजेंडा क्या है अवेयरनेस क्रिएट करनी है किस चीज से रिलेटेड हेल्थ केयर एंड सेफ्टी फॉर ऑल मदर्स एंड एक्सपेक्टिंग मदर्स तो बेसिकली प्रेग्नेंट प्लस दोज ऑलरेडी डिलीवर्ड ठीक है उनकी भी तो हेल्थ केयर और सेफ्टी का, का काम करना है ना ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ प्रेग्नेंट मदर्स के लिए हम एजेंडा लेकर के आए नो इट इज फॉर ऑल मदर्स एंड एक्सपेक्टिंग मदर्स एज वेल बेसिकली ये जो 11 अप्रैल का डे है ना ये बर्थडे होता है कस्तूरबा गांधी का कस्तूरबा गांधी, गांधी कौन है आप जानते हो इफ ऑफ महात्मा गांधी डेडिकेटेड लाइफ टू सोशल कॉजेज और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए या मार्क करने के लिए आपका नेशनल सेफ मदरहुड डे सेलिब्रेट किया जाता है क्वेश्चन डायरेक्टली वो पेपर में इस तरीके से पूछ सकता है दैट विच अमंग द फॉलोइंग डे और नेशनल सेफ मदरहुड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन इलेवेंथ अप्रैल मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हु अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन ए में दे देगा आपको कस्तूरबा गांधी ठीक है बी में फॉर एग्जांपल दे देगा एनी सी में आपको दे देगा उषा मेहता डी में आपको दे देगा सरोजनी नायडू ठीक है तो क्वेश्चन तो देखो कितना आराम से बन गया ये है ना तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट अब कुछ अचीवमेंट्स हाईलाइट किए गए इस डॉक्यूमेंट के अंदर देखो का तो 11 uh, अप्रैल का है वो तो समझ में आ गया अपने को अब कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी कुछ इंपॉर्टेंट डाटा था जो इसमें हाईलाइटेड था जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है सबसे पहले तो ये हाईलाइट किया गया कि जी मेटर्नल मोर्टिटी रेशियो जो है ठीक है जो डेथ रेशियो है वो डिक्लाइन हुआ है वो काफी कम हुआ है तो 2014-16 के अराउंड इट वाज 130। ये कम होकर के कितना हो गया नाइनटी सेवन हो गया ठीक है ये पर लैक होता है ये कितना होता है पर लैक वुमेन होता है सो so, 130 था पहले 14-16 में कम होकर के 18-20 में 97 सेवन रह गया अब अगर आप देखोगे नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 2017 में आई थी उसने टारगेट कहा था कि हमने हंड्रेड पर लैख लाइफ बर्थस पे लेकर के आना है 100 के उपर, के, के नीचे जो एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर टारगेट इंपॉर्टेंट है वो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो एमएमआर टारगेट है वो क्या है कि 70 पर लाख लाइफ बर्थ से नीचे लेकर के आना है 2030 तक सो so डेफिनेटली ये जो सरकार के इनिशिएटिव्स हैं ये जल्दी आपका एसडीजी टारगेट अचीव करने में भी आपको हेल्प करेंगे तो ये याद रखना है आपने कि अभी नाइनटी का जो है आपका एमएमआर है जो डॉक्यूमेंट के अंदर हाईलाइट किया गया और राइट और नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंदर 100 लाख पर लाइफ बर्ड का था वो हमने अचीव कर लिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी टारगेट याद रखेंगे 70 लाख लाइव बर्ड्स ये सारे के सारे फैक्ट्स आपसे इज भी पूछे जा सकते हैं या स्टेटमेंट फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं जि, जिस भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सारे क्वेश्चन हमने एमसीक्यू कोर्स के अंदर एड किए हुए हैं जो भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर के अंदर <laughs> उसके बाद मेटर्नल हेल्थ इंडिकेटर्स देखेंगे आप तो इसमें भी इंप्रूवमेंट दिखेगी आपको तो मदर्स हु चेकअप इन द फर्स्टर ठीक है तो प्रेगनेंसी के अंदर फर्स्ट ट्रिमेस्टर के अंदर आ, अगर आप देखोगे काफी इंप्रूवमेंट है एन एफ एच एस थ्री में सिर्फ फोर्टी थ्री पॉइंट नाइन परसेंट ऐसे वुमेन थे जिनको प्रॉपर एंटीनेटल चेकअप हुआ एन एफ एच एस फोर में और बड़ा फिफ्टी एट पॉइंट सिक्स और लेटेस्ट आपका एन एफ एच एस फाइव है इसमें हो गया सेवेंटी परसेंट ठीक है तो ये सेवेंटी परसेंट याद रखेंगे आप इंपॉर्टेंट है उसके बाद आ, ऐसी आ, मदर्स जिनका चार एंटीनेटल केयर विजिट्स हुए हैं ट देखने को मिलेगी एन एफ एच एस थ्री में इट वॉज ओनली थर्टी सेवन फोर में फिफ्टी टू हुआ डॉक्टर नर्स एल एच वी एन एम मिडवाइफ मदर हेल्प पर्सनल विदिन टू डेज ऑफ डिलीवरी दो दिन की डिलीवरी के अंदर अंदर पोस्ट नेटल केयर अभी तक तो हम प्री डिलीवरी की बात कर रहे थे तो पोस्ट नेटल डिलीवरी केयर के अंदर भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है इंस्टीट्यूशनल बर्थ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इन फैक्टर्स के अंदर ये याद रखिएगा इसके ऊपर हाईलाइट किए गए जैसे कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान बेसिकली ये प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है क्या 2016 में लॉन्च हुआ था और ये बोलता है कि यार एक फिक्स डे पे ना हर महीने में एक फिक्स डे पे फ्री ऑफ कॉस्ट एंटीनेटल केयर जो है वो प्रोवाइड करनी है जैसे कि महीने की नौ तारीख को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा और इसके अंदर गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर ठीक है जो भी स्पेशलिस्ट हैं फिजिशियंस हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे इसके अंदर किसी भी तरह का पैसा नहीं लिया जाएगा और जब हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज की बात कर रहे हैं इसके अंदर दवाइयां यानी कि ड्रग्स जो भी लेबोरेटरी के टेस्ट वगैरह होंगे अल्ट्रासाउंड जो भी एंटीनेटल चेकअप के अंदर कॉस्ट आएगी वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ओके सो चेकअप इज नॉट ओनली कि हाँ जी आपने जाकर के लैब में उनके टेस्ट कर दिए ठीक है लैब में टेस्ट किए आपको लगा कि हाँ यार ये प्रॉब्लम है इसके लिए ये दवाई लिखनी पड़ेगी तो वो दवाई भी उनको दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्रेस अगर देखेंगे जो हाईलाइट की गई है फेबर 2023 तक की ये प्रोग्रेस है अराउंड 3.94 करोड़ प्रेगनेंट वुमेन्स को एग्जामिन ऑलरेडी इसके अंदर किया जा चुका है और ये जो सर्विसेज है अराउंड 19,215 फैसिलिटीज के अंदर ये सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं ठीक है कई बार ये जो पॉइंट्स है ना वो घुमा करके क्वेश्चन में डाल देता है यूपीएससी की आदत है कि मोर देन थ्री करोड़ प्रेग्नेंट हैव बीन प्रेगनेंट अंडर पीएमएसएमए एज पर द गवर्नमेंट डाटा करेक्ट इनकरेक्ट वाला तो एग्जैक्ट रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है बस थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे ठीक है जी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2017 में इफेक्ट आया था डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है जिसके अंदर कैश बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है प्रेग्नेंट वुमेन को ठीक है ताकि उनकी न्यूट्रिशनल नीड ठीक है या फिर क्योंकि वो प्रेग्नेंट हैं दे आर नॉट एबल टू वर्क तो जो वेज लॉस हो रहा है उसको कंपनसेट किया जा सके अभी अगर आप देखोगे नवंबर 21 2022 तक का डाटा सरकार के पास है इसके अंदर 3.11 करोड़ बेनिफिशरीज एनरोल हो चुके हैं और 2.77 करोड़ बेनिफिशियरीज को अराउंड बारह करोड़ सरकार पे कर चुकी है पोषण अभियान पोषण अभियान 2018 से चल रहा है गोल क्या है बच्चों एडोलोसेंट गर्ल्स प्रेग्नेंट वुमेन्स लैक्टेटिंग मदर्स ठीक है मदर्स हु आर ब्रेस्ट फीडिंग ओके तो उनको बेसिकली न्यूट्रिशनल स्टेटस इंप्रूव करना है प्रोग्रेस की अगर हम बात करें तो भी एनरोल किया जा चुका है सारी स्टेट यूटीज के अंदर अभी ये चल रहा है अराउंड सेवन थर्टी डिस्ट्रिक्ट और एक सौ बारह एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है सिक्सटी प्लस करोड़ जन आंदोलन बेस्ड एक्टिविटीज को किया गया पोषण के अंदर चार लाख ,00 पोषण वाटिकास को डेवलप किया है 1.10 लाख मेडिसिनल सेप्लिंग्स को प्लांट किया गया है इसी प्रोग्राम के अंदर और साथ ही साथ एक फैसिलिटी क्रिएट की गई है जहां पर अगर प्रेग्नेंट वुमेन माइग्रेट करती है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में या एक आंगनवाड़ी केयर सेंटर से दूसरे आंगनवाड़ी केयर सेंटर में तो उसका वो प्रॉपर सिस्टम किया जाएगा उसको माइग्रेशन अलाउड है ऐसा नहीं है कि वो आंगनबाड़ी वाले कह देंगे नहीं तेरा तो वहां पर इलाज चल रहा था तू वहीं जा नो दे हैव टू टेक केयर ऑफ इट तो वो पूरे का पूरा रिकॉर्ड ट्रांसफर हो जाएगा देन देर इज स्कीम कॉल्ड लक्ष्य लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव 2017 में ये लॉन्च हुआ था अब देखो ये सारी स्कीम्स पुरानी है अब आप कहोगे कि सर ये इनिशिएटिव्स यहां पर आप क्यों करा रहे हो 2017 लेकिन ये स्पेसिफिकली जब नेशनल मदरहुड डे आया ये सब स्कीम्स को हाईलाइट किया गया है ठीक है उसी एक डॉक्यूमेंट से पीआईबी में एक डॉक्यूमेंट आता है ठीक है उसी में से ये हम कवर कर रहे हैं ये इमेजेस भी एज इट इज वहीं से उठाई हुई है ठीक है मैंने खुद से कुछ नहीं बनाया है लक्ष्य लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव ये बेसिकली uh, जो मेटर्नल और न्यूबॉर्न मोर्टेलिटी है जो डेथ हो रही है जो एक तरीके से प्रिवेंटेबल है प्रीवेंटेबल क्यों है अगर देखो हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर ठीक है प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है प्रॉपर हेल्थ हाइजीन नहीं है उसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लीकेशन हो जाते हैं ठीक है बच्चा पैदा हुआ उसको आ, कोई डिजीज हो गया या मदर को डिजीज हो गया बिकॉज ऑफ द इंफेक्शन ठीक है तो लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट क्या कहता है कि यार ये जो सारा मेटरनल ओटी है या जो लेबर रूम है उनको आपको प्रॉपर केयर करना है उनकी प्रॉपर इंप्रूवमेंट उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि रिस्पेक्टफुल वे में जो है बच्चे की डिलीवरी हो और जो माँ है उसका ध्यान रखा जा सके ओके ताकि ये जो प्रिवेंटेबल एक तरीके से मोर्टेलिटी है इसको कम किया जा सके फिर आ जाता है जी आपका सुमन विचे सुरक्षित मातृत्व आश्वासन फॉर्म याद रखिएगा 2019 की स्कीम है अगेन ये क्या बोलती है डिग्निफाइड रिस्पेक्टफुल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर एट नो कॉस्ट एंड जीरो टॉलरेंस फॉर डिनाइल ऑफ सर्विस फॉर एवरी वुमेन एंड न्यू बॉर्न विजिटिंग द पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी तो अगर कोई भी प्रेग्नेंट महिला पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी में जाती है तो सबसे पहले तो उसको आप किसी भी तरह की सर्विस को डिनाई नहीं कर सकते प्रायोरिटी आपको सर्विस में उनको प्रोवाइड करनी है ना उनसे आप कोई कॉस्ट चार्ज कर सकते हो एंड इफ एनी डिस्क्रिपेंसी इज देयर अगर कोई भी फॉल्ट होता है तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस इसके अंदर रखी जाएगी ठीक है ताकि एक पॉजिटिव बर्थ एक्सपीरियंस हो मदर और चाइल्ड का जो स्पेशली पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज के अंदर जा रहे हैं ओके अच्छा ये जो मैं इनशियेटिव दिखा रहा हूँ ना इनमें से जो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव होंगे उनको हम अलग से भी कवर करेंगे जिसमें एक्स्ट्रा डिटेल हमें करने की जरूरत होगी अभी तो हम सिर्फ एक डॉक्यूमेंट को गो थ्रू कर रहे हैं ताकि कई बार क्या होता है ना वो ज्यादा डिटेल में नहीं जाता वो उस जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट होता है ना उसी को उठा करके सारे का सारा आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है उसके अलावा जी जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम इसका क्या काम है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को कम करना प्रेग्नेंट वुमेन के लिए या फिर उस उन फैमिलीज के लिए जहां पर हैं इन्फेंट कैसे फ्री डिलीवरी प्रोवाइड करता है जैसे कि सी सेक्शन डिलीवरी के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट डायग्नोस्टिक मेडिसिन ठीक है डाइट ब्लड तो ये पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में सब फैसिलिटीज प्रोवाइड करके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को कम किया जाए जननी सुरक्षा योजना 2005 में लॉन्च किया गया था एंड अगेन ये बेसिकली एक कैश ट्रांसफर स्कीम ही है जो मेटर्नल और इन्फेंट मोर्टेलिटी का कम करने का ऑब्जेक्टिव रखती है इसके अंदर प्रेग्नेंट वुमेन को इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए एनकरेज किया जाता है अनेमिया मुक्त भारत 2018 में लॉन्च किया गया था हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था एंड इसका एम क्या है ताकि एनेमिया की जो प्रिविलेंस है उसको कम किया जा सके चाहे वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से है, है।, so, uh, है? प्रेग्नेंट वुमेन भी होंगे एक ब्रीफ आइडिया अच्छा ये और ना स्कीम्स की थोड़ी सी क्रोनोलॉजी दिमाग के अंदर जरूर रखनी है तभी सबके साथ इज मंड है फर्स्ट रेफरल यूनिट्स को फंक्शनलाइजेशन करना है बेसिकली ये इमरजेंसी सेंटर्स होते हैं जहां पर आप इमरजेंसी केसेस को हैंडल कर सकें प्रायोरिटी के ऊपर मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ विंग्स को डेवलप किया जाए ऐसी जगहों पर ऐसे हॉस्पिटल्स में जहां पर काफी केस लोड जो है वो काफी ज्यादा है और क्वालिटी आप इंप्रूव करें फर्दर उसके बाद जी ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ ऑप्सट्रिक आईसीयू एच ऐसी टर्शरी केयर फैसिलिटीज में जो बड़े अस्पताल होते हैं जहां पर काफी ज्यादा एक तरीके से फुटफॉल होता है या केस लोड बहुत ज्यादा होता है और कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज वहां पर रेफर की जाती है छोटे हॉस्पिटल से तो वहां पर प्रॉपर आईसीयूज और एच को डेवलप किया जाए कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए डॉक्टर्स की एनेस्थीसिया हो चाहे या वो ऑप्सेक्ट्रिक केयर हो सी सेक्शन डिलीवरीज हो ताकि जो स्पेशलिस्ट की एक कमी है देश के अंदर उसको पूरा किया जा सके मेटरनल डेथ सर्वेलेंस रिव्यू इसका क्या काम होगा अगर कोई भी मेटरनल डेथ होती है डिलीवरी के कॉम्प्लिकेशन की वजह से तो उसका प्रॉपर रिव्यू हो देखा जाए कि किन कारणों की वजह से वो डेथ हुई है और कैसे उसको प्रिवेंट किया जा सकता था ठीक है ये हर लेवल के ऊपर चाहे वो कम्युनिटी लेवल हॉस्पिटल है या टर्सरी फैसिलिटी है

ठीक है अभी अगर सिर्फ खोलने के लिए मत खोलना उसको जब ऐसा लगे कि हाँ यार मेरे पास डेढ़ दो घंटा है अच्छे से टेस्ट देने के लिए जितना भी मतलब टाइम लगता है आपको 120 क्वेश्चन का टेस्ट देने में जब लगे हाँ अच्छा टाइम है तभी उसको करना है नहीं तो मत करना ठीक है चलिए सो विद दिस वील कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर गाइज आई होप यू गाइज एंजॉयड इट पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड मैं तो पहले कहूंगा पीडीएफ के लिंक से पहले आप एमसीक्यू का जो वो आ, आपका मॉक टेस्ट है वो दो नाइन्टी परसेंट आपको इसके ऊपर जो है स्कॉलरशिप मिल जाएगी वैसे आपकी पीडीएफ फाइल्स का जो कोर्स है अगर आप सिर्फ यूट्यूब पीडीएफ लेना चाहते हो तो नाइनटी नाइन रुपीज का है लेकिन नाइनटीन परसेंट सब्सिडी के बाद अगर आप कॉम्बो कोर्स लेते हो तो उसके अंदर आपको सिक्सटी रुपीज का वो पड़ेगा एंड उसके अंदर आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे और पीडीएफ भी आ जाएंगे ओके सो दिस इज अपटिल टुडे सेवेंटीन अप्रैल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट का जो सिस्टम है ये आप ट्वेंटी अप्रैल तक कर सकते हैं उसके बाद भी मॉक टेस्ट ओपन रहेगा आप दे सकते हैं बट ट्वेंटी अप्रैल के बाद ये जो 90 परसेंट डिस्काउंट वाला सिस्टम है इसको हम बंद कर देंगे ठीक है चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन टेक केयर एंड बाय